जय हिंद दोस्तों, मैं आपका भाई मुगनीश इब्ने आजम आप सबका खैर मकदम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज हम एक रोड ट्रिप प्लान कर रहे हैं और एक एपिक जर्नी है, तो मैं अपने रोड ट्रिप को स्टार्ट कर चुका हूँ। मैं अपने होम टाउन से अभी निकलने वाला हूँ और यहाँ से मैं पहुंचूंगा अहमदाबाद। तो चलिए रास्ते में एक ऑसम बेहतरीन जर्नी का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ और साथ ही साथ कुछ इंटरेस्टिंग प्लेसेस पे भी हम जाएंगे और आपको बताएंगे कि एक बजट ट्रिप आप किस तरह प्लान कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं फाइनली इंटरसिटी के बस में बैठ चुका हूँ। ये एक स्लीपर एसी बस है और इस तरह कुछ नज़ारा आप देख पाएंगे। तो ये जो बस है ये काफ़ी कंफर्टेबल है। इस बस में आपको वाईफाई मिल जाता है, इस बस में आपको कुछ गुडीज मिल जाते हैं, तो ये आपको लगे रखेंगे। पर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आप लोग के साथ करना चाहता हूँ वो ये कि ये बस ऑलमोस्ट मुझसे मिस हो गई थी और उसकी सीधी सीधी वजह ये थी कि बारामती से स्वारगेट पुणे आने का जो डिस्टेंस है, जो ट्रैवल डिस्टेंस है, वो 100 किलोमीटर्स है और अकॉर्डिंग टू टाइम ही मैंने अपनी जर्नी को प्लान किया था। पर प्रॉब्लम ऐसा हुआ कि रास्ते में अनफॉर्चुनेटली बस के टायर्स पंचर हो गए शिवनेरी बस का, और वहाँ पे जो एक्स्ट्रा टाइम था मेरे पास वो एक्स्ट्रा टाइम वहाँ पे इन्वॉल्व हो गया। तो मैंने स्मार्ट वर्क करते हुए मैंने क्या किया कि मेरे रूट में मैंने देखा कि बोर्डिंग लोकेशन, पिकअप लोकेशन कहाँ और कहाँ कहाँ का है, तो फिर उसमें एक ऐसा लोकेशन मुझे मिला जहाँ से मेरा टाइम भी बच पाएगा और सामने वाले का टाइम भी बच पाएगा और इसके कारण बस के पैसेंजर्स को डिले भी नहीं होगा। तो जिसके लिए मैंने क्या किया, मैंने क्विकली फातिमा नगर सेंट पैट्रिक चर्च का लोकेशन चूज किया और वहां से मैंने बस को जो है मैंने फटाक से बस की सर्विस को वापर लिया। यानी कि इन शॉर्ट मैं कहना चाहूँ तो वहां पे मैं बस में बोर्ड हो गया। चलिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ गुडीज क्या क्या है और एक ओवरव्यू दिखाता हूँ आपको कि स्लीपर क्लास किस तरह दिखता है। ओके तो दोस्तों, मैं अभी आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह स्लीपर कैबिन होता है ये बस में। इंटरसिटी की अगर स्लीपर बस आप वापरते हो तो आपको ये एक वेलकम किट मिलता है, और COVID-19 का पैंडेमिक का दौर चल रहा है, इसी के लिए आपको ब्लैंकेट, बेडशीट और पिलोज नहीं मिलेंगे, तो आपको आपका खुद कैरी करना है या फिर आप नया परचेज कर सकते हो बस कैप्टन के पास से। एक हाफ लीटर यानी कि 500 ml की आपको बॉटल मिलती है, फैन मिलता है, वाईफाई पासवर्ड मिलता है, एसी के दो नोजल्स मिलते हैं, ये देखिए, और स्पीकर और एक बड़ा सा व्यू और चार्जर सॉकेट भी आपको मिलता है, और ये आपका मोबाइल होल्डर, और यहाँ पे ये लाइट जो कि अभी वर्क नहीं कर रहा, मोस्ट प्रोबेबली इवनिंग में वर्क करेगा। एंड ये कैबिन है, इसमें मैं 5'7" हूँ, मैं देख लेता हूँ लेट के। बहुत ही कंफर्टेबली जो है इसमें आप सो सकते हो, पर ये 6 feet वालों को प्रॉब्लम होगा। एनीवेज चलिए, हाय फ्रेंड्स, अभी डिनर का वक्त हो गया है तो लोनावला में बस रुकी है, तो बस खाने की शुरुआत है, तो थोड़ा सा वेज खाना लिया है, पंजाबी थाली जिसमें कई वैरायटीज के भाजी है, डिजर्ट है, दही है और चावल है, तो आप खुद देखिए। चलिए फिर डिनर करने के बाद आपसे बात करते हैं। दोस्तों, फाइनली हमारा डिनर हो गया और ये डिनर हमने इस होटल में किया, निशी सागर। मुंबई एक्सप्रेस हाईवे जो लोनावला में ये हाईवे है, इस हाईवे पे आपको ऐसे कई रेस्टोरेंट्स और ऐसे कई ड्राइव थ्रू ब्रेक्स के लिए मिल जाते हैं, यहाँ पे आप अपने मील ले सकते हैं। पर प्रॉब्लम ये होता है कि यहाँ पे जो बड़ी बड़ी वॉल्वो कंपनीज होती हैं, जो लॉजिस्टिक कंपनीज होती हैं, उनका यहाँ पे टाइप होता है, जिसके कारण हमें यहीं रुकना पड़ता है। तो यहाँ पे बड़ा साउंड है, यहाँ पे हमने जो थाली खाई वो पंजाबी थाली थी, एंड दैट वाज 190 रुपीज। एक बजट प्लानर के लिए थाली बहुत ही महंगी है,
थाली होनी चाहिए थी 100 रुपीज से लेके 140 रुपीज तक। एनीवेज पेट भर गया है और वो जंक फूड खाने से मैं थाली खाना बेहतर समझता हूँ। चलिए फिर शुरू करते हैं सफर को आगे भी। शुभ प्रभात दोस्तों, गुजरात में आप सबका स्वागत है। तो अभी बड़ोदरा बाईपास के करीब ये बस रुकी है हमारी और हमें 15 मिनट दिए गए थे फ्रेश होने के लिए, तो मैंने फटाफट ब्रश कर लिया, फेस वॉश का वापर कर लिया और बाथरूम जाके आ गया। तो वॉशरूम जाने के बाद मामला थोड़ा क्लियर हो गया। आप फटाक से कंघी लेता हूँ, बाल बनाता हूँ और उसके बाद नाश्ता करके फिर अपने बस में हम बोर्ड हो जाते हैं, फिर आनंद पहुंच के आपसे बात करता हूँ। चलिए, हेलो दोस्तों, मैं आनंद पहुंच चुका हूँ और जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये एक्सप्रेस वे है। तो अब यहाँ से मैं चलते चलते मुझे ब्रिज के उस पार जाना है। तो 19 केजीज का लगेज मेरा बैकपैक अप्रॉक्सीमेट 19 केजीज का है और एक छोटा सा पाउच बैग, तो इसे लेते लेते चलते चलते मैं उस पार जाऊंगा और उस पार जाने के बाद वहां से देखता हूँ मुझे तासरा के लिए कोई बस वगैरह मिलती है कि नहीं। तो चलिए, कैच यू देयर, सी यू। तो मॉर्निंग दोस्तों, आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ये एक्सप्रेस वे पे ना मुझे कोई बस मिल रहा है ना ही मुझे कोई रिक्शा मिल रही है और मैं लिफ्ट जिससे मांग रहा हूँ वो लोग गाड़ी भी नहीं रुका रहे। हाँ, यहाँ पे मैं मास्क लगा के एकदम ना एलियन ही दिख रहा हूँ और ये मेरा UFO। तो मेरे को लगता है ये 2 बजे के कारण ना कोई लिफ्ट भी नहीं दे रहा है। एनीवेज मैंने गूगल मैप्स का सहारा लिया है तो आगे ये जो एक्सप्रेस वे है ये आगे जाके एक स्टेट हाईवे से कनेक्ट होता है, अप्रॉक्सीमेट 1.5 किलोमीटर है। तो वो जो स्टेट हाईवे से कनेक्ट हो जाएगा तो वहां से मुझे फ्रीक्वेंसी, वहां से मुझे बस वगैरह मिलने के चांसेस है। एनीवेज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि जब भी आप ट्रैवल करें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि माइंड को रिलैक्स रखें। दिमाग को रिलैक्स रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि अगर आप दिमाग को रिलैक्स नहीं रखोगे ना तो आप हाइपर हो जाओगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, नर्वस हो जाओगे और तब आपकी लग जाएगी। तो खुद की मत लगाओ, जो प्रॉब्लम्स आती है ना उसकी लगाओ, पेशेंस के साथ डील करो, टैकल करो। अल्लाह करीम ने तुम्हें मुझे अशरफुल मखलूकात बनाया है, यानी कि बेस्ट ऑफ हिज क्रिएशन, तो उसका पूरा फायदा उठाओ। और हाँ, एक चीज मैं आपको और बता दूं, ये एक ट्रैवल हैक है। आप चलते वक्त इस तरह का शूज या तो आप एक कैनवस ले लें या तो फिर एक ट्रैक शू ले लें, ये चलने में काफी हेल्पफुल साबित होता है और एक वैंडरर के लिए, एक ट्रैवल करने वाले के लिए ये एक बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल होता है। चलिए, मैं देखता हूँ आगे मुझे कहीं से लिफ्ट मिल पाती है कि नहीं। आई विल कीप यू पोस्टेड, आई विल कीप यू अपडेट। दोस्तों फाइनली हम बस स्टॉप पे हैं और थैंक गॉड अल्लाह का एक बंदा मिल गया जिसने हमें लिफ्ट दी और लिफ्ट देने के बाद मैं यहाँ पे पहुंच गया। तो ये एक बस स्टॉप है और ये बस स्टॉप पे मैं रुका हुआ हूँ। अब यहाँ पे मेरे को पता करना है कि तासरा का बस कहाँ से मिलता है, तो जैसे ही मुझे पता लगता है मैं बस में बोर्ड हो जाता हूँ। हाय फ्रेंड्स, फाइनली मुझे बस मिल गई और ये बस तासरा जा रही है। ये बस की टिकट है। तो ये जो गुजरात स्टेट ट्रांसपोर्ट है, इस ट्रांसपोर्ट का फायदा ये है कि ये बजट फ्रेंडली होती है और इस तरह ये बस कुछ दिखती है। तो फाइनली हम डाकोर बस स्टॉप पे पहुंच गए। अब यहां से मुझे जो मेरे क्लाइंट है उनको मुझे फोन करना है ताकि कल मैं उनकी शादी अटेंड कर पाऊं और उसके बाद हम गुजरात को एक्सप्लोर करेंगे। तो देखिए, ये है बस स्टॉप डाकोर का, एज यू कैन सी, और मैं यहाँ पे वेट करूंगा। चलिए, लेट मी गिव हिम अ कॉल और उसके बाद हम बात करते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये हमारा रूम है। ये रूम 24 आवर्स के लिए हमने लिया है और AC है, TV है और सबसे जरूरी बात जो बहुत ज्यादा जरूरी होती है
वो है स्वच्छ शौचालय यानी कि क्लीन वॉशरूम। तो ये सब है यहाँ पे, और आप अगर देख पाएंगे तो ये पीछे इस तरह का व्यू है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि एक साफ रूम लें, एक क्लीन रूम लें और बजट फ्रेंडली रूम लें। आप जो सबसे जरूरी बात वो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अमूमन तौर पे इस रूम का जो टैरिफ है, जो डेली बेसिस पे जो रेंटल चार्ज होता है, वो 600 to 700 रुपीज है एसी रूम। और पर इसका पैसे मैंने नहीं पे किए, वो हमारे क्लाइंट ने पे किया है, प्रीतेश जी जिनकी कल शादी है। तो मेरे तमाम व्यूवर्स से मेरी ये गुजारिश रहेगी कि आप लोग प्लीज उनकी बेहतर मैरिज लाइफ के लिए दुआ करें। चलिए फिर इजाजत दें, मैं थोड़ा फ्रेश हो जाता हूँ, फिर आराम से बात करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, सुबह मैं जल्दी चेक इन करके आता डाकोर में, ये गुजरात में आता है और ये एक होली रिलीजियस प्लेस है, खास तौर पे सनातन धर्म के मानने वालों के लिए, क्योंकि यहाँ पे कृष्णा और विष्णु अवतार के कई भव्य बड़े मंदिर हैं। पर आज डाकोर में मैं अभी एक पावरफुल नाप लेने के बाद मुझे काफी भूख लगी है, और अभी 12:30 और लंच टाइम के करीब है। तो यहाँ गुजरात में एक वर्ल्ड फेमस गुजराती थाली मिलती है, और ये गुजराती थाली डाकोर की श्रीजी थाली बहुत फेमस है, पूरे गुजरात से लोग आते हैं, और मैंने उसका रिव्यू पढ़ा, काफी अच्छा है। तो मैं वहां जाके फटक से एक मील ग्रैब करूंगा, एक गुजराती थाली खाऊंगा, और उसके बाद आपको भी रिव्यू दूंगा और आपको भी वो एक्सपीरियंस वर्चुअली करने लगाऊंगा। चलिए वहां पे मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी मैं रोड क्रॉस करने जा रहा हूँ, बड़े केयरफुली रोड क्रॉस करना पड़ता है, दोनों तरफ देखना पड़ता है, बहुत जरूरी है ताकि कोई एक्सीडेंट नहीं हो। एंड अब हम फाइनली वो थाली के अंदर पहुंच गए, तो चलिए मैं क्विकली अंदर जाता हूँ और आपको बताता हूँ कि कैसी रहती है थाली। सो गाइस, मैं फाइनली रेस्टोरेंट में पहुंच गया हूँ, और अभी एम्प्टी ताट मेरे सामने, डिजाइन इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा है। यहाँ पे जब आप आएंगे तो लेट मी चेक इट आउट, और खाने के बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि हाउ फूड वर्क्स फॉर मी, ठीक है? चलिए दोस्तों, इस वर्ल्ड फेमस गुजराती थाली में आपको चार तरह की सब्जी आती है, दो तरह की रोटी आती है जिसमें बाजरे का रोटला होता है, आपको रोस्टेड पापड़, खमन, बटर मिल्क और राइस मिलता है, इसमें घी का वापर बहुत अच्छे से किया जाता है। साथ ही साथ अगर आप डेजर्ट यानी कि मीठा लेना चाहते हो तो उसके लिए 20 to 30 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा पे करना होता है। मैं आपको बता दूँ, अगर आपने गुजराती थाली पहले खाई है तो इट्स अ मस्ट विज़िट, आपको ज़रूर पसंद आएगा। पर इससे पहले अगर अभी आपने गुजराती थाली नहीं खाई है तो इसमें हल्का मीठे का स्वाद होता है, तो अपनी राय बनाने से पहले इस बात पर गौर करें। हाय फ्रेंड्स, दोस्तों आज ये डे सेकंड है हमारा, दूसरा दिन। पहला दिन तो पूरा ट्रैवलिंग में गया, पुणे से गुजरात आने में, और उसकी जो पूरी थकावट थी वो यहाँ इस बिस्तर पे निकली। तो आज का दिन मुझे कोई काम नहीं था, कोई घूमना नहीं था, सिर्फ आज मुझे स्टे करना था। तो अब उसके बाद जो हमारी जर्नी शुरू होगी, तो उस जर्नी में मुझे बहुत ट्रैवल करना होगा, बहुत घूमना होगा, तो मैं थक भी सकता हूँ। इसी के लिए आज के दिन का मैं वापर करूंगा, और आज के दिन मैं मेरे ये पहने हुए जो एक पैर ड्रेस है इसे मैं धोऊंगा। तो धोने का बहुत सिंपल और लॉजिक तरीका है, वो लॉजिक तरीका मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप ट्रैवलर हो तो वो तरीका हमेशा कारगर साबित होगा। तो चलिए क्विकली मैं आपको बताता हूँ करना क्या है। सबसे पहले तो दोस्तों, आपको ये जो आपका कपड़ा है और आपके इनरवेयर है और आपके पैंट शर्ट है, इसके पॉकेट्स को एम्प्टी करना है, अच्छे से आपको इसको एम्प्टी कर देना है, और फिर इसको ऐसे आपको यहां लेना है और इसमें चेक करना है कि कुछ रहा तो नहीं गया। आपकी जेब को चेक करना अनिवार्य इसके लिए है क्योंकि धोते वक्त आपका कोई लॉस नहीं हो। जैसे कि मिसाल में मैं इस स्मॉल वॉच पॉकेट या फिर इस फ्रंट चोर पॉकेट में मैं इस तरह पैसे रखता हूं, तो ये पैसा भीग जाता तो मेरा लॉस हो जाता, इसी के लिए मैंने पूरे पॉकेट्स को चेक करने बोला। और ये दो जबरदस्त हथियार आपको हमेशा लगेंगे, 2 रुपए वाला एरियल और 10 रुपए वाला सर्फ एक्सेल बार। 10 का नहीं ले सको तो 5 का लो, 7 या 12 रुपए में आपका काम हो जाता है, और इतने नहीं, इससे ज्यादा कपड़े भी आप धो सकते हो। पर मेरा सुझाव रहेगा
एक साथ लोड मत लो, वरना कपड़े दोनों से आपको नफरत हो जाएगी और आप एक अच्छे बजट ट्रैवलर बनना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ करना क्या है। आपको ऐसा ही कपड़ों को उठाना है, इस तरह आपने जो एक फ्रेश बकेट वाटर भरा है इस बकेट में आपको भिगाना है इसको, और 10 मिनट इसको भिगा के रखना है धोने से पहले। जब आप इसको 10 मिनट भिगा के रखेंगे धोने से पहले तो आपका फायदा ये होगा इससे कि इसके अंदर के मैल नरम पड़ जाएंगे 10 मिनट में, और फिर इसको आपको पानी से रिंस करना है, और उसके बाद आगे क्या करना है मैं आपको दिखाता हूं। तो बेगर मेहनत के आप कपड़े साफ धो पाओगे। अब जैसे ही 10 मिनट हो जाते हैं ये कपड़े को भिगा के रखने के बाद, आपको इस तरह पानी लेना है और सरफेस को क्लीन करना है। जब सरफेस क्लीन हो जाए उसके बाद आपको इसको पलटी कर देना है ऐसा। एक बार ये पलटी हो गया फिर आपको बकेट में पानी भरना है, और आपका पैर साफ हो तो आपको इस तरह स्क्वीज करना है, इससे मैल अच्छे से निकल जाएगा। अब आगे देखिए, तो आपको फिर एरियल लेना है, और एरियल का पूरा साशे आपको इस तरह आधे बाल्टी पानी में डाल देना है, और डालने के बाद आपको नल चालू कर देना है और पानी को ऐसा ऐसा मिक्स कर देना है। जब इस तरह मिक्स हो जाए और आधा बाल्टी पानी हो जाए तब आप नल को बंद करिए और एक एक कपड़ा डालिए। दैट्स इट, आपका काम हो गया। अब इसे आधा घंटा सोक करने दीजिए और इसका मैल निकल जाएगा। दोस्तों मैंने कपड़ा धो दिया, कपड़े को निकाला, कपड़े को निचोड़ा। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज आप लोग के सामने आएगी जो कपड़ा सुखाने में आपकी मदद करेगी वो ये है कि जैसे ही आप कपड़े को डिटर्जेंट से निकालें 3 बार पानी से रिंस करें ताकि उसका फेस, उसकी गंदगी अच्छे से निकल जाए और आपको गंदा पानी कम होता नजर आए। 3 बार जब आप रिंस कर लोगे यानी 3 बार खंगाल लोगे उसके बाद आपको इसे अच्छे से निचोड़ना है। देखिए ये शर्ट मेरा सूख चुका है, ये पैंट भी मेरी 90% सूख चुकी है, और अभी रात के 12:30 के करीब बज रहे हैं, और इस कपड़े को मैंने 8 बजे के करीब मैंने इसे धोया था। तो आप देखिए अगर अच्छे से आप निचोड़ लेते हो तो इस तरह आपके कपड़े सूख जाते हैं, देखिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो तरीका मैंने बताया उससे देखिए किस तरह कॉलर्स वगैरह क्लीन हो गए, दिख रहे हैं। मुझे ब्रश भी अप्लाई नहीं करना पड़ा, मुझे डिटर्जेंट सोप या बार भी अप्लाई नहीं करना पड़ा। तो ये तरीका आप जरूर वापरें, आप ट्रैवल कर ले हो या फिर आप बैचलर हो, आप स्टूडेंट हो, तो ये तरीका आप वापर सकते हो। चलिए दोस्तों मैं आपसे अब इजाजत चाहता हूं, मेरे वीडियो को अब मैं एंड करता हूं। आगे आप और भी बेहतरीन जर्नी टिप ट्रिक्स और साथ ही साथ बहुत ही बेहतरीन आप व्यूज देख पाएंगे। मैं आपका भाई मोहनीश इब्ने आजम आपसे इजाजत चाहता हूं। आप अपनी फीडबैक को कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं, आपके फीडबैक से हमें हिम्मत मिलती है इस तरह ट्रैवल करने की। तो मैं आपके साथ सारी जो है छुपी हुई चीजें, हिडन चीजें जो आपको पब्लिकली प्लेटफॉर्म पे नहीं मालूम पड़ती है वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मैं आपका भाई मोहनीश इब्ने आजम आपसे इजाजत चाहता हूं। इंतजार कीजिए मेरे अगले वीडियो का। अस्सलामु अलैकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।